मेरे प्यारे कांग्रेस के साथियों, किसान मजदूर भाइयों और बहन, आज किसानों, मजदूरों और मेहनत कशों के सबसे बड़ा हमदर्द महात्मा गांधी की जयंती है। गांधी जी कहते थे कि भारत की आत्मा भारत के गांव, खेत और खलिहान में बसती है। आज जय जवान जय किसान का नारा देने वाले हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती भी है, लेकिन आज देश का किसान और खेत मजदूर कृषि विरोधी तीन काले कानूनों के खिलाफ सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। अपना खून पसीना देकर देश के लिए अनाज उगाने वाले अन्नदाता किसान को मोदी सरकार खून के आंसू रुला रही है। कोरोना महामारी के दौरान हम सब ने सरकार से मांग की थी कि हर ज़रूरतमंद देशवासी को मुफ्त में अनाज मिलना चाहिए, तो क्या हमारे किसान भाइयों के बगैर यह संभव था कि हम करोड़ों लोगों के लिए दो वक्त के भोजन का प्रबंध कर सकते थे? आज देश के प्रधानमंत्री हमारे अन्नदाता किसानों पर घोर अन्याय कर रहे हैं, उनके साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। जो किसानों के लिए कानून बनाए गए उनके बारे में उनसे सलाह मशविरा तक नहीं किया गया, बात तक नहीं की गई। यही नहीं, उनके हितों को नज़रअंदाज करके, सिर्फ चंद दोस्तों से बात करके किसान विरोधी तीन काले कानून बना दिए गए। जब संसद में भी कानून बनाते वक्त किसान की आवाज़ नहीं सुनी गई तो वे अपनी बात शांतिपूर्वक रखने के लिए महात्मा गांधी जी के रास्ते पर चलते हुए मजबूरी में सड़कों पर आए। लोकतंत्र विरोधी जन विरोधी सरकार द्वारा उनकी बात सुनना तो दूर, उन पर लाठियां बरसाई गईं। भाइयों और बहनों, हमारे किसान और खेत मजदूर भाई बहन आखिर चाहते क्या? बस सिर्फ इन कानूनों में अपनी मेहनत की उपज का सही दाम चाहते हैं, यह उनका बुनियादी अधिकार है। आज जब अनाज मंडियां ख़त्म कर दी जाएगी, जमाखोरों को अनाज जमा करने की खुली छूट दी जाएगी, किसान भाइयों की ज़मीनें खेती के लिए पूंजीपतियों को सौंप दी जाएगी, तो करोड़ों छोटे किसानों की रक्षा कौन करेगा? किसानों के साथ ही खेत मजदूरों और बटाईदारों का भविष्य जुड़ा है। अनाज मंडियों में काम करने वाले छोटे दुकानदारों और मजदूरों का क्या होगा? उनके अधिकारों की रक्षा कौन करेगा? क्या मोदी सरकार ने इस बारे में सोचा है? कांग्रेस पार्टी ने हमेशा हर कानून जन सहमति से ही बनाया है। कानून बनाने से पहले लोगों के हितों को सबसे ऊपर रखा है। लोकतंत्र के मायने भी यही हैं कि देश के हर निर्णय में देशवासियों की सहमति हो। लेकिन क्या मोदी सरकार इसे मानती है? शायद मोदी सरकार को याद नहीं है कि वो किसानों के हक के भूमि के उचित मुआवजा कानून को ऑर्डिनेंस के माध्यम से भी बदल नहीं पाए थी। इन तीन काले कानूनों के खिलाफ भी कांग्रेस पार्टी संघर्ष करती रहेगी। आज
हमारे कार्यकर्ता हर विधानसभा क्षेत्र और ज़िले में किसान और मजदूर के पक्ष में आंदोलन कर रहे हैं। मैं दावे के साथ कहना चाहती हूँ कि किसान और कांग्रेस का यह आंदोलन सफल होगा और किसान भाइयों की जीत होगी। जय हिंद।